सो गाइस क्या आप भी देख रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और यमुना एक्सप्रेस वे कुछ प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिवरुष प्रॉपर्टी ब्लॉग। सो आज हम पहुंच चुके हैं हरीश सिटी प्रोजेक्ट पर, जहां पर हम एक वीडियो पहले कवर कर चुके हैं और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला, काफ़ी इंटरेस्ट शो किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसी को देखते हुए आज फिर दोबारा से आए कुछ नए ऑप्शन जानने के लिए सर्वेश जी से। सर्वेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या खास लेकर आए हैं? सर खास तो हमारे यहाँ पर आपको पता ही है जी, पहली चीज़ तो पूरा जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे, इतना डेवलप प्रोजेक्ट इतनी अच्छी लोकेशन पर जस्ट यमुना एक्सप्रेसवे के साइड में कहीं देखने को मिलने वाला ही नहीं है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे। और जब भी आप वहाँ से आते हैं, जैसे जब भी आप जेवर टोल की तरफ से क्रॉस करके आ रहे हैं, ठीक है, तो पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे सिर्फ एक यमुना गौर सिटी है, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट हमारा ही है और ऑन हाईवे पे प्रोजेक्ट ज़्यादा अंदर नहीं है दोस्तों और काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे है। सर ये बताइए आपकी कंपनी किस नाम से और कितने टाइम से काम कर रही है और कितने प्रोजेक्ट पहले डिलीवर करे हैं? सर देखिए हमारी जो कंपनी का नाम है वो हरित वाटिका है और इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो हरित सिटी है। हरित सिटी आप जाकर के हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, haritcity.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, उस पर हमारी अगर कोई साइट विजिट वगैरह का आपका प्लान करना है तो डायरेक्टली आप वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया बात ये है कि ये जो हमारी कंपनी है इसने एकमात्र यही हमारी कंपनी है जो कि पूरे यमुना एक्सप्रेस में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, ये 475 बीघे का, मैं बताऊँ तो करीब करीब 50 एकड़ का ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है सर ये तो। जी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों ये, और हमारी जो कंपनी है जो मैंने बताया सेक्टर 2 में हमारा ऑफिस है और काफ़ी टाइम हो गया, करीब 7 से 8 साल हो गए हमारी कंपनी को मार्केट में काम करते हुए। और इस पर जो भी वादे किए, मेन होता है वादे, जो भी नियत होती है मेन, तो हमने जो भी वादे किए हैं सारे वादों को पूरा किया दोस्तों। ये हमारा जो है अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये हमारा फेज़ 5 है, ठीक है, इससे पहले हमने फेज़ 4 तक डिलीवर कर चुके और जो भी मंदिर वगैरह जो भी चीज़ें थी सारा कुछ कंप्लीट करके पूरा डेवलपमेंट आपने कर दिया है पहले से ही। सो गाइस आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा डेवलपमेंट दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इस कम्युनिटी के अंदर आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सर सबसे पहले कहीं भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो सबसे पहले होता है लोकेशन USP। बिल्कुल, तो आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं आज हम खड़े हुए हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में, तो सर से जानेंगे और क्या क्या लोकेशन USPs रहने वाली हैं इस लोकेशन के पर। यहाँ की अगर मैं USP की बात करूँ जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है यहाँ पर जी, क्योंकि मोस्टली क्या है किसी भी ज़मीन का जो फ्यूचर है लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था वो उसके पास्ट से पता चलता है। बिल्कुल, अगर हम पास्ट में जाते हैं तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है यहाँ पे, ठीक है। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना रीसेलिंग बहुत हो रही है। रीसेलिंग तभी होती है जब चीज़ें डेवलप हो तभी इन्वेस्टर के पैसे बढ़ते हैं, पैसे डेवलपमेंट से बढ़ते हैं ऐसे तो बढ़ते नहीं है। दूसरी चीज़ अगर मैं USP की बात करूँ इस लोकेशन की, तो अगर आप परी चौक से आ रहे हैं जेवर टोल क्रॉस करते हैं तो सबसे पहला आपका अलीगढ़ के लिए कट आता है जी। उस कट से दोस्तों उतरना नहीं है आपको, क्योंकि अभी जो है सर्विस लेन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में है, तो आप डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे पे ऊपर ऊपर आइए, ऊपर गाड़ी लगाइए, डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर आप आ सकते हैं दोस्तों। लोकेशन इतनी अच्छी है कि डिमांड में, मतलब कि इतनी ज़्यादा डिमांड में ये लोकेशन है कि दूर दूर से हमारे पास कितनी बुकिंग सर से ऑनलाइन आ रही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आज आपने परचेस किया, बिल्कुल, तो आपके जो रिलेटिव्स है, ठीक है, वो जो बाहर रहते हैं NRI, तो उनकी खुद बुकिंग्स आती है। तो दोस्तों अगर कोई बाहर का क्लाइंट इस वीडियो को देख रहा है तो डायरेक्टली आप हमें जो है व्हाट्सअप कॉल करिए, व्हाट्सअप कॉल पे आपसे हमारी कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ इस लोकेशन पर जैसा कि सर बता रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको फिल्म सिटी मिल जाती है, यहाँ पर आपको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, ऑलरेडी काम चल रहा है उस पर, 2024 में उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं उस पर। उसके अलावा यहाँ पर आपको नाइट सफारी मिल जाएगी, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर लैंड लेकर छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट आने वाला है। जहाँ पर डेवलपमेंट आता है वहाँ पर ग्रोथ होती है, वहाँ पर एप्रिसिएशन आता है, यहाँ पर आपको पोर्ट टैक्सीस मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर रैपिड रेल का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि सर ने बताया रैपिड रेल का जो भी काम है अभी रिसेंटली जो है मोदी जी ने उद्घाटन भी किया है, गाजियाबाद से डायरेक्टली उसकी कनेक्टिविटी करी जा रही है। यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जिसमें जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों DMIC का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर आप यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं दिल्ली से तो डायरेक्टली यहाँ से जो डिस्टेंस है 12 से 13 मिनट का डिस्टेंस रहने वाला दोस्तों। यहाँ से डायरेक्टली जो है आप DMIC पे चढ़ते ही आप डायरेक्टली 12 से 13 घंटे के अंदर आप जो है मुंबई में एंटर कर जाएंगे दोस्तों। और DMIC हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है, DMIC भी बन रहा है। इसके अलावा जो है KMP हाईवे आपको कनेक्टिविटी उसकी साइड में देखने को मिल रही है और रैपिड रेल बहुत जल्दी आपका जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक और न्यूज़ आ चुकी है अभी रिसेंटली, अगर आपको पता भी हो
वृंदावन के लिए डायरेक्ट एक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस हो चुका है, न्यूज़ में आपने देखा होगा, वो भी यहाँ से मान के चले शायद 20 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दूरी पर रहने वाला है वो। जी जी जी। सो गाइस लोकेशन बड़ी प्यारी रहने वाली है, यहाँ पर बड़ी अच्छी USPs हैं, आसपास सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अब सर से जानेंगे थोड़ा साइट के बारे में, तो थोड़ा साइट के अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरीके की साइट रहेगी, क्या क्या USPs हैं इस साइट की। सो गाइस हम आपको लेकर आ चुके हैं एंट्रेंस पर, यहाँ से पूरी साइट आपको विजिट कराएंगे, छोटे छोटे पोर्शन में आपको चीज़ें विजिट कराएंगे। सर यहाँ से स्टार्ट करिए, जो ये एंट्रेंस है ये रोड कितने चौड़ा रहने वाला है? सर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ये सर्विस लेन है, ठीक है? ओके। ये सर्विस लेन है, ये 60 फीट का रोड रहेगा। ओके। हमने 60 फीट रोड है, हमने 60 फीट से ज्यादा अगर मैं बताऊँ तो करीब करीब जो है हमने 80 फीट का रोड यहाँ छोड़ रखा है। ओके, ओके। साइड में ही हमने एक्सप्रेस वे, ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं एंट्रेंस गेट होने वाला है शायद। बिल्कुल पर। बिल्कुल सर, ये गार्ड का रूम है और जैसा कि आपने देखा होगा सर 30 फीट इस साइड है, 30 फीट इस साइड है, टोटल जो है ये 60 फीट का रोड आपको एंट्री पे मिल रहा है और एक और 60 फीट है जो वहाँ पर हमें दो एंट्री मिल रही है, करीब करीब 1 किलोमीटर का तो फ्रंट ही फ्रंट है हमारे प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ग्रीनरी से आपको पार्टीशंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं गाइस। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रोड है 30 फीट की रोड पे अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ जी, ठीक है? और ये आप ग्रीनरी का काम देखेंगे यहाँ पे, कितने सुंदर सुंदर हमने पेड़ लगा के रखे हैं, 30-30, 40-40 हज़ार के एक पेड़ आते हैं जो उधर लगे हुए हैं, ठीक है? तो काम यहाँ पर अगर जो भी हमने वादे किए थे सारे वादे यहाँ पर पूरे आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ एकमात्र हमारी साइड है जहाँ पर आपको हर एक कमिटमेंट पूरी करी गई है जो जो आपसे वादे किए गए। जैसा आपने काम किया है वैसे साइट का नाम भी रहने वाला है। बिल्कुल, पूरा ग्रीनरी आपने कर रखा है यहाँ पर, हरी सिटी साइट का नाम रहने वाला है और काफी अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर लग रहा है हमें। सो गाइस अब देख सकते हैं सामने हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है और ये हमारा गेट है सोसाइटी का, सामने 60 फीट की रोड है, अब एंटर कर चुके हैं हमारे 60 फीट के रोड से अंदर। सो अभी हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे। सर ये थोड़ा सा बताइए कि जैसे ये रोड मेन रोड ये आपकी 60 फीट की रहने वाली है और जो अंदर इंटरनल रोड रहने वाली है वो कितने फीट की रहने वाली है? अंदर की जो रोड है वो आपको जो है 40 फीट की गलियां, लोग मेन रोड 40 फीट का देते हैं, हम 40 फीट की गलियां और 25 फीट की चौड़े रोड दे रहे हैं आप, बहुत चौड़े रोड। और दोस्तों एक चीज देखेंगे आप, स्ट्रीट लाइट के खंभे यहाँ पर पूरे जो है स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, वो भी सोलर वाला लगा हुआ है। बिजली बिल हमारे यहाँ पर प्रॉपर आती है, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर मीटर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, मीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हमारी एमिनिटीज़ है ये आप देखेंगे, यहाँ पर जो पार्क हो गया, टेंपल हो गया, प्ले स्कूल, वाइड रोड और 24/7 आपकी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, वाटर सप्लाई, ड्रेनिंग सिस्टम, सारा कुछ यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही है सारी कंप्लीट कर दी गई है। सो गाइज अब हम चल रहे हैं हमारी साइट का टूर करने के लिए, आप हमारे साथ साथ आइए। सर्वे जी क्या क्या दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को आज? सर हर वो चीज़ दिखाएंगे जो जो चीज़ें आपने अभी देखा बोर्ड में, सारी चीज़ें मंदिर से लेकर के टेंपल से लेकर प्ले स्कूल कहाँ आ रहा है, कमर्शियल एरिया कहाँ पर है, हर एक चीज़ दिखाने वाले हम वीडियो में। सो बाकी फैसिलिटी तो हम आगे जाकर देखेंगे, ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या साइजेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर? सर मिनिमम साइज जो हमने रखा है प्लॉट का वो 100 गज का प्लॉट का साइज है मिनिमम। ओके। ऊपर जितना भी चाहिए 200, 300, 900 तक के प्लॉट हमारे पास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आपका बजट हो मिनिमम 100 गज का आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है जी। और सर यहाँ पर किस तरीके का पेमेंट प्लान रहने वाला है और क्या क्या आप फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कस्टमर्स को? सर पेमेंट प्लान जो है हमारे यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली क्या है ना कि हमने काफ़ी इजी पेमेंट प्लान रखा है। देखिए क्या है कि डेवलपमेंट करवा कर भी देना है आप लोगों को, तो ज़्यादा टाइम हम लेकर के चलते नहीं है, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-6 महीने के अंदर पेमेंट आपको, मतलब जो कस्टमर है कस्टमर का पेमेंट हमारे पास आ जाए। और तो मिनिमम जो है टोकन का जो हमने फैसिलिटीज़ रखी है, टोकन आपको जो है जैसे आप 5-10 हज़ार टोकन करते हैं तो विद इन अ मंथ आपको 50% पेमेंट देना, और 50% पेमेंट के लिए हम आपको 6 महीने 1 साल तक का टाइम दे देते हैं। सर जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट वीडियो में जब हम लास्ट टाइम शूट करने आए थे यहाँ पे जी, तो लास्ट टाइम आपने देखा था यहाँ पे टाइल्स वगैरह काम नहीं हुआ था, ठीक है? इस बार टाइल्स का काम हो गया, अंदर मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, जस्ट लास्ट संडे हमने मूर्ति की स्थापना करवाई है, हमारे सारे कस्टमर आए हुए थे उस दिन। तो जो भी चीजें आपको यहाँ पे पेंडिंग दिख रही है धीरे धीरे वो होती रहेगी हमारे यहाँ पे, ऐसा तो ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट रुक रहा है, रेगुलर डेवलपमेंट चाहे वो स्लो हो थोड़ा फास्ट हो वो होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ मकान बने हुए हैं पीछे यहाँ पर जी, जैसे बैक साइड में ही आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बसावट है और लोग रह रहे हैं यहाँ पे बैक साइड में। सो कौन सा गाँव लगता है सर ये? मरोड़गढ़ी गाँव है सर ये। ओके जी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सोसाइटी में पहले से ही टेंपल मिल रहा है जहाँ पर ऑलरेडी मूर्ति स्थापना हो चुकी है, उसके अलावा सारा डेवलपमेंट मिल रहा है, चाहे बिजली ले लीजिए चाहे पानी ले लीजिए और रोड का डेवलपमेंट ले लीजिए।
और ग्रीनरी देख लीजिए किस तरीके की प्लांटेशन वगैरह यहाँ पर पूरी सोसाइटी में होकर रखी हुई है। साथ ही में पूरी सोसाइटी की बाउंड्री हो रखी है, ऐसा नहीं है कि ओपन पड़ी हुई है, सारी गेटेड कम्युनिटी रहने वाले। गेट आपको दिखाया ही था, फुल सिक्योरिटी गार्ड के साथ, सीसीटीवी कैमरास के साथ आपको ये सोसाइटी मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बाउंड्री वॉल है ना, चारों तरफ से सोसाइटी की हमारी हो रखी है, और कोई रेडीमेड सीमेंट वाली बाउंड्री नहीं है, प्रॉपर ब्रिक्स वाली बाउंड्री है, चारों तरफ से यही बाउंड्री करवा के दे रहे हैं हम। तो पूरी सोसाइटी में ये बाउंड्री रहने वाली है जी, बिल्कुल। तो सर्वेश जी, अब ये कहाँ पर आपको हमें लेकर आ गए हैं? सर ये पार्क है, करीब करीब 1-1.5 एकड़ का पार्क ही पार्क दे रहे हैं। लोगों के पास 1 एकड़ की रजिस्ट्री भी नहीं होती, ठीक है, हम तो 1 एकड़ का पार्क ही पार्क दे रहे हैं। ऐसे ऐसे जो आप ये पूरा पार्क देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 4 पार्क है और चारों पार्क कंप्लीट है दोस्तों। 5वां पार्क हम जो फेज 5 में बनवा रहे हैं, ठीक है, और जो फेज 5 का है वो 1 एकड़ का पार्क है, बहुत बड़ा पार्क देखने को मिलेगा उसमें। तो अगर किसी को कॉर्नर की बुकिंग करवानी है तो इंस्टेंट जल्दी कॉल करके एडवांस चेक दे दे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक उसकी लॉन्चिंग करने वाले, तो फिर मिलेगा नहीं आपको कॉर्नर का प्लॉट। सर ये बताइए कि यहाँ पर जैसा मैं इतनी फैसिलिटी देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है सारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया होगा। बिल्कुल सर, फेज 4 तक जो है प्लॉट नहीं मिलने वाला है, फेज 4 तक प्लॉट जो है निकल चुके हैं, प्लॉट अवेलेबल है नहीं यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारा जो फेज 5 लॉन्च होगा उसमें आपको अच्छा प्लॉट मिलेगा, इसीलिए सर को आज बुलाया हमने, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक फेज 5 अपना लॉन्च करने वाले हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कितनी फैसिलिटीज सोसाइटी के अंदर दी गई है, आपको ग्रीनरी मिलेगी, आपको पार्क मिलेगा, आपको किड्स प्ले एरिया मिलेगा, टेम्पल मिलेगा, रोड्स मिलेंगी, तो सारी चीज़ें पहले से ही आपके लिए अरेंज करके दी गई हैं, पूरा डेवलपमेंट आपको दिया जा रहा है। साइज़ आपको सर ने बता दिया है, 100 गज का साइज़ मिलेगा मिनिमम, उससे ऊपर आप कितना ले सकते हो बाकी आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मिनिमम आप 11,000 देकर यहाँ बुकिंग कर सकते हैं, बाकी आप सर से डिस्कस करके अपना पेमेंट प्लान डिस्कस कर सकते हैं। तो सर बुकिंग तो हो गई, अगर किसी के पास पूरा पैसा नहीं है देने के लिए, तो उनके लिए कोई लोन फैसिलिटी भी दे रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर लोन भी हो जाएगा आपके लिए, जब भी आप आइए लोन भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या है ना, मैं लोन के लिए क्यों मना करता हूँ इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ जी। क्योंकि क्या होता है उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, 10-12% आपका जो है बैंक वाले लोन लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 2-3-4-5 सालों में जो आपको एप्रिसिएशन मिलना है ना, घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है जीरो पे। तो अगर एप्रिसिएशन आप लोन के इंटरेस्ट में ही दे देंगे तो क्या एप्रिसिएशन मिलेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोन में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बट अगर कोई लोन नहीं लेना चाहता लेकिन पेमेंट भी कुछ पार्ट्स में देना चाहता है, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी है? बिल्कुल, वो करवा देंगे। हमारी कोशिश होती है कि लोन पर कस्टमर ना जाए, क्योंकि फिर एप्रिसिएशन के लिए अगर वहाँ पे यहाँ पर आ रहा है, मोस्टली इन्वेस्टर है लेने वाले, तो अगर आपका एप्रिसिएशन नहीं होगा तो फिर हमारे से जुड़ने का कोई बेनिफिट होगा नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके साइट विजिट जरूर करें। साइट विजिट के लिए क्या फैसिलिटी रहने वाली सर? पूरे दिल्ली NCR से आपके लिए कैब की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। या तो आप ऐसा करिए, सबसे बढ़िया आपके लिए बता रहा हूँ मैं, नोएडा सेक्टर 2 में सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन नियर बाई हमारा ऑफिस है, आप डायरेक्टली ऑफिस आ जाइए, फिर वहाँ से जो है हम डायरेक्टली आपको साइट पर विजिट करवा देंगे। सो इनके ऑफिस का एड्रेस, गूगल लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके सर्वेश जी से बात करें, और बात करने के बाद अपनी विजिट प्लान करें। जो भी डाउट हो एक दिन पहले कॉल करके अपने कॉल पे कंफर्म कर लें, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, उसके बाद साइट विजिट करें। यकीन मानिए अगर आप यहाँ पर आ गए तो बिना प्लॉट लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि साइट इतनी प्यारी रहने वाली है। सर हमारी वीडियो जो एक देख रहे हैं, जो भी व्यूअर यहाँ पर इन्वेस्टर जो भी देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऑफर देंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल करवा देंगे सर, जैसा कि मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में 18,000 रुपये गज का रेट था ये जी, ठीक है। अभी हम जो फेज 5 लॉन्च करने जा रहे हैं उसका जो रेट जाएगा वो 21,000 रुपये पर गज का रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से पहले पहले अगर कोई बुकिंग करवा लेता हमारे यहाँ तो उसको हम 18,000 के रेट से ही दे देंगे, तो 3,00,000 रुपये के लिए आपकी बेस्ट आपका जो है बचत हो जाएगी। इसकी जो अपडेट है, हमारा एक चैनल है इन्वेस्टर ब्लॉक के नाम से ही चैनल है, वो इन्वेस्टर ब्लॉक्स के नाम से, उस पर आप जाएंगे, उस पर सारी डिटेल हम आपको उस पर डालते रहते हैं जो भी डेवलपमेंट की हो रही है। तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।